दोस्तों, जब हम सैमसंग का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ख़ासकर वो स्मार्टफोन जिस स्मार्टफोन में होम बटन दी गई होती है, तो अगर कोई हम पैटर्न या फिर पिन लॉक लगाए होते हैं, और जैसे ही हम उस पिन लॉक को या पैटर्न लॉक को ओपन करने के लिए सबसे पहले होम बटन को दबाते हैं, तो गलती से कभी कभी वो होम बटन एक से दो बार दब जाने की वजह से हमारे स्मार्टफोन में SOS ओपन हो जाता है, और उसकी वजह से हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है और हमारी मोबाइल जो है कभी कभी हैंग भी कर जाती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस SOS कमांड को किस तरह से हम डिसेबल कर सकते हैं, ताकि अगर हमारे गलती से दो बार या तीन बार बटन दब भी जाती है होम बटन, तो ये जो SOS है वो ओपन ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद बिल्कुल नीचे आप जा करके देखेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर टैप करके इसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर सभी एप्लीकेशन आपको शो होंगे। तो बिल्कुल नीचे आप जाएंगे तो आपको SOS यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ से SOS वाले एप्लीकेशन को टैप करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर डिसेबल और फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखाई देता है। तो सबसे पहले फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर टैप करके इसे स्टॉप कर लेंगे। यहाँ पर फोर्स स्टॉप पे टैप करते ही यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, तो फिर से फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बगल में आपको डिसेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस डिसेबल के ऑप्शन पर टैप करते ही फिर से यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ से फिर से डिसेबल के ऑप्शन पर टैप कर देंगे। ये सब कुछ करने के बाद अगर आपको लॉक खोलने के दौरान या कभी भी अगर होम बटन एक से दो बार भी दब जाती है, तो SOS जो है वो कभी भी ओपन नहीं होगा। जैसा कि आप देखें, अगर मैं दो तीन बार प्रेस कर रहा हूँ फिर भी SOS ओपन नहीं हो रहा है, और इस तरीके से हम SOS की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।